जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। आई वेलकम यू ऑल इन माय सोशल साइंस क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे पार्टी लाइन के बारे में, ठीक है, गरीबी रेखा के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 9 चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स, पार्टी लाइन। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का पार्टी लाइन। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, पार्टी एज चैलेंज, और उसका एक अगला टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे। In previous videos, we had discussed about the basic concepts of party, we had discussed about the criteria of social scientists towards party. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना। हमने समझा था कि पार्टी बेसिकली क्या है ना, उसका बेसिक कंसेप्ट समझा था। सोशल साइंटिस्ट का क्या परसेप्शंस है पार्टी के बारे में। आई हैड एक्सप्लेन यू दैट सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमने आपको बताया था। टुडे वील स्टडी टुगेदर अबाउट पार्टी लाइन। आज हम पढ़ेंगे कि क्या है पार्टी लाइन, क्या है, किसे हम कहते हैं गरीबी रेखा। सो लेट्स स्टार्ट, लुक हियर, व्हाट इज पार्टी लाइन, अ बेंचमार्क व्हिच डिफाइंस द पार्टी। देखो, वी हैड डिस्कस्ड दैट हु आर पुअर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, पहले वीडियो में, कि पुअर, गरीब हम किसे कहते हैं। दोज हु आर होमलेस, फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ शेल्टर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, वी यूजुअली कॉल देम पुअर्स। हम गरीब उन्हें कहते हैं ना जिनके पास सुविधाओं की कमी होती है। सुविधाएं कैसी, जिनके पास घर ना हो, पीने का साफ़ सुथरा पानी ना हो, है ना, खाने पीने की चीज़ें ना हो, और जो गंदे जगहों पे रहते हों, यूजुअली हम उन्हें ही पुअर बोलते हैं, जो कि झोपड़ी में रहने वाले लोग। ठीक है, हमने क्या किया, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है बेंचमार्क। देखो, बेंचमार्क मीन्स होता है दैट वी हैव सेट अ सर्टेन लेवल एंड दोज हु आर अबव द लेवल आर अबव पार्टी लाइन एंड दोज हु आर बिलो बिलोंग्स टू बिलो पार्टी लाइन। तो दिस बेंचमार्क इज़ कॉल्ड द पार्टी लाइन। हमने क्या किया, एक लाइन कोई ऐसे नहीं खींची हुई है, एक बेंचमार्क कोई लाइन ऐसे नहीं खींची, हमने एक इमेजिन भी नहीं, हमने क्या किया, एक क्राइटेरिया सेट कर लिया, एक लेवल सेट कर लिया कि इस पर्टिकुलर इतने रुपए से ज़्यादा बंदा अगर कोई कमाता है तो वो अबव पार्टी लाइन में आएगा, और जो इससे कम कमाता है वो बिलो पार्टी लाइन में आएगा। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं कि द पार्टी लाइन रेफर्स टू मिनिमम लेवल ऑफ इनकम विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यानी हमने क्या किया, पार्टी लाइन हम उसको बोलते हैं जिसमें हम कम से कम हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए हमें कम से कम कितने पैसे चाहिए, जो उतने जितने ज़रूरी हों, है ना, उसका एक लेवल सेट कर दिया। अब जो बंदा उस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा कमाता है वो अबव पार्टी लाइन में हम रखते हैं, और जो नीचे उसे कम कमाता है उसको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं बिलो पार्टी लाइन में। जैसे इन इंडिया, एनी वन हु अर्न्स लेस देन 328 पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड 454 पर मंथ इन अर्बन एरियाज फॉल्स बिलो पार्टी लाइन। हमने क्या डिसाइड कर लिया कि रूरल एरियाज यानी कि गाँव में रहने वाला व्यक्ति अगर हर महीने में 328 रुपीज़ से ज़्यादा कमाता है तो वह अबव पार्टी लाइन में है, और अगर इससे कम कमाता है तो बिलो पार्टी लाइन में है। और शहर के लिए हमने अर्बन एरिया के लिए क्या डिसाइड किया, ये अमाउंट 454। अब गांव और शहर में अंतर क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी, आराम से बताऊंगी, क्योंकि खर्चों में अंतर है दोनों जगह के, ठीक है ना। तो ये जो है पार्टी लाइन का एक डेफिनेशन हो गया, एक सिंपल सा डिफाइन कर दिया मैंने व्हाट इज़ पार्टी लाइन। नाउ लुक हियर, कॉमन मेथड यूज टू मेजर पार्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल। हाँ देखो, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल वी सेट पार्टी लाइन और हाउ विल वी कैलकुलेट पार्टी, है ना। सवाल मन में आता है ना कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि पार्टी लाइन क्या है और पार्टी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नो डाउट दैट सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी आर द इंडिकेटर्स। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल एक्सक्लूजन यानी जिनको हमने सामाजिक रूप से बाहर कर दिया है समाज से, या जिन जो जो वल्नरेबल क्या है मैंने आपको बताया था, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं विच शोज़ अ पार्टी, बट वी कांट कैलकुलेट दिम। पार्टी को सिबलाइज पार्टी को के इंडिकेटर हैं, इनसे हम वल्नरेबल जो हैं या जिनका सोशल एक्सक्लूजन है, हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये लोग पार्टी में आते हैं, है ना, ये लोग पुअर हैं। लेकिन हम उस पार्टी का लेवल उसको कैसे कैलकुलेट करें। सो वील हैव टू सेट अ बेंचमार्क और क्राइटेरिया फॉर विच वील यूज़ इनकम एंड कंजम्पशन लेवल थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट हु आर बिलो एंड हु आर अबव द पार्टी लाइन।
हमने क्या किया भाई, कोई मेज़रमेंट तो है नहीं कि हमने किलो से नाप दिया कि इतने लोग गरीब हैं या मीटर में नाप दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमने क्या किया, इनकम और कंजम्पशन इसके बेस पर ये डिसाइड करना करने का हमने एक बेंचमार्क लगा दिया कि जिस पर्टिकुलर किसी बंदे की अगर इतनी इनकम है और इतनी चीज़ों की वो कंज्यूम करता है, खरीदता है, जो बेसिक नीड्स हैं, तो उसको हम अबव या बिलो पॉवर्टी लाइन रख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कैसे, हाउ। जैसे वी हैव सेट एन इनकम लेवल ऑफ 300 एंड दोज हु अर्न रुपीज़ 300 एंड अबव आर अबव पॉवर्टी लाइन। हमने मान लीजिए 300 रुपये का अगर बेंच मार्क सेट कर दिया, 300 रुपये अगर हर बंदा कमाता है तो अबव पॉवर्टी लाइन है, बट दोज हु डोंट आर बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन जो नहीं कमाते वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन वी सेट अ मिनिमम लेवल टू कैलकुलेट द अबव एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन में वराय विद टाइम एंड प्लेस। ये भी बड़ा रेलिवेंट पॉइंट है। देखो, पॉवर्टी लाइन आर नॉट सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट मे वराय विद टाइम एंड प्लेस। पूरी दुनिया में एक जैसे गरीब तो है नहीं, कोई देश में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, कोई देश ज़्यादा पुअर है। भूटान की हम बात करें और कहाँ अमेरिका अगर कंपेरिजन करो, आप खुद समझदार हो। तो एज इन US हैविंग कार, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो अगर US का एग्जाम्पल दूँ कि इन US हैविंग कार इज़ द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल एंड दिस इज़ कॉमन, बट इन इंडिया दिस इज़ द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेटस, है ना। अब हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में कार रखना मतलब हम लोग क्या इमेजिन अज्यूम करते हैं कि बंदा बहुत पैसे वाला होगा, लेकिन US में वो एक आम बात है, वो लोगों की बेसिक नीड है, वो सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे कई लोग हैं जो कार नहीं होते हुए भी बाकी चीज़ों में स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उसको उनकी उनको उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। और टाइम की अगर बात करें तो टाइम मतलब आज और आज से 50 साल पहले, पैसे की कीमत में बहुत अंतर आया है। जो तब 100 रुपये कमाता था वो भी अमीर होता था, पर आज की डेट में अगर हम कहें तो ऐसा तो हो नहीं सकता, 100 रुपये की क्या कीमत है आज। तो इन दिस वे पॉवर्टी लाइन में वराय विद टाइम एंड प्लेस, ठीक है, हम कह सकते हैं इस बात को। नाउ नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। देखो, नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ डज पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट्स इन इंडिया, कैसे हम पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करेंगे, कैसे उसका अनुमान लगाएंगे। ठीक है, तो अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फूल एंड लाइट एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फूल, लाइट एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एटसेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सबसिस्टेंस। दीज फिजिकल क्वान्टिटीज आर मल्टीप्लाइड बाई देयर प्राइजेज इन रुपीज। अब इसको समझिए, देखो, बिफोर सेटिंग पॉवर्टी लाइन विल हैव टू चूज मिनिमम लेवल ऑफ समथिंग्स लाइक फूड, मेडिकल, लाइट एजुकेशन, क्लोथ्स, फिटवेयर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ मिनिमम लेवल जो है कुछ आइटम के हम डिसाइड कर लेते हैं, है ना, ये जो ज़रूरी चीज़ है। पर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड मेडिकल आर मस्ट फॉर सब्सिस्टेंस, है ना। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या सब चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन और मेडिकल, हमारा फिट रहना। तो हम इनके खर्चे देखते हैं, है ना, हम इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे फूड, क्लोथ, इन सब के प्राइस को रुपीज़ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिसके बाद हमारे पास जो कुछ डेटा या फिर अमाउंट आ जाता है उसे ही हम पॉवर्टी लाइन बना देते हैं या सेट कर देते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन, सॉरी इट शुड बी पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या दिया है, 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। रूरल और अर्बन एरियाज का कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग शो किया है, अभी मैं समझाती हूँ। देखो, हम ये देखते हैं ना कि सारी चीज़ें हमें कितनी मात्रा में चाहिए और उनका खर्च क्या क्या आता है। जैसे रूरल एरियाज में 2400 कैलोरी चाहिए पर पर्सन, कैलोरी रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, मीन्स फूड रिक्वायरमेंट, है ना, जिसे हम पॉवर्टी लाइन सेट करने से पहले देखते हैं। फूड रिक्वायरमेंट की बेंचमार्क को हम कैलोरी के बेसिस पर सेट करते हैं। तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है बिकॉज दे विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, है ना, सो दैट देयर कैलोरी रिक्वायरमेंट इज़ मोर देन द अर्बन एरियाज़, है ना।
पार्टी लाइन के एस्टिमेशन में हम फूड रिक्वायरमेंट में कितनी कैलोरी रखते हैं ये ध्यान रखना रखना है हमें, है ना। ये क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला फूड रिक्वायरमेंट का था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द मॉनिटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट आर अकॉर्डिंग टू 2011-12 है ये, है ना। देखो, इफ वी ऑब्जर्व ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आर मस्ट फॉर बेसिक सब्सिस्टेंस और मॉनिटरी एक्सपेंडिचर मीन्स पैसे के टर्म में, तो अकॉर्डिंग टू 2011-12 द मॉनिटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट आर, अगर मैं बात करूँ तो क्या है, द पार्टी लाइन फॉर अ पर्सन हु फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरिया एंड 1000 फॉर अर्बन एरियाज। देखो, नाउ ऑल ऑफ यू आर हैविंग डाउट दैट इफ मोर कैलोरीज आर नीडेड इन रूरल एरियाज देन पैसे भी ज़्यादा चाहिए, है ना। हम ये देख रहे हैं ना कि कैलोरी रिक्वायरमेंट जो रूरल एरिया में ज़्यादा है, तो जब कैलोरी रिक्वायरमेंट यानी फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा से जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा चाहिए, पर होता उल्टा है, है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि फूड इज़ अवेलेबल एट चीप रेट इन रूरल एरियाज एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। गाँव में चीज़ें सस्ती हैं खाने पीने के आइटम, क्योंकि अपने खेत में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। नेक्स्ट है अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग लेस देन अबाउट 4080 पर सिमिलियर फैमिली इन द अर्बन एरियाज वुड नीड अ मिनिमम ऑफ ₹5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। देखो, ये तो पर पर्सन हो गया, पर सपोज़ कि एक फैमिली को अगर चलाना है तो रूरल एरिया में 5 मेंबर्स की फैमिली है तो 4080 रुपीज़ होने चाहिए उनकी इनकम, इससे कम होने पर बिलो पार्टी लाइन में वो आएंगे। एंड द सेम फैमिली ऑफ अर्बन एरिया रिक्वायर्ड 5000 पर मंथ, अदरवाइज दे विल बी एबल टू पार्टी लाइन। इन डेटाज को ध्यान में हमें रखना होगा, है ना। फिर है पार्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स बाई कंडक्टिंग सैम्पल सर्वे। देखो, नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स मतलब नॉर्मली हम ये रखते हैं, और यहाँ पे एक और बात आई है NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एज आई टोल्ड यू दैट पार्टी लाइन यूज टू चेंज विद टाइम एंड प्लेस एंड इट नीडेड टू बी अपग्रेड विच यूजली डन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स बाई द NSSO विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। NSSO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, मैंने आपको क्या कहा था कि पार्टी लाइन जो है वो टाइम और समय के साथ बदलती रहती है, तो हमें इस डेटा को जानना ज़रूरी है, अपग्रेड करना ज़रूरी है, और इसीलिए NSSO की लाइबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये जो हर 5 ईयर्स के बाद ये डेटा कलेक्ट करके जो है एस्टिमेट तैयार करती है, है ना। द होल सर्वे इज बीइंग कैरीड आउट बाय NSSO जो डेटा कलेक्शन करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पार्टी लाइन $1.90 पर पर्सन पर डे। देखो, एज आई टोल्ड यू दैट पार्टी लाइन वराई कंट्री टू कंट्री, है ना, टाइम टू टाइम तो बदलता ही है, प्लेस में भी बदलता है। हमने कहा था ना कि हर देश में पार्टी जैसी हुई ज़रूरी नहीं है, हर जगह वेरिएशन होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। बट वर्ल्ड बैंक अडॉप्ट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, बट वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म, जैसे एक बेंचमार्क हमने सेट किया ना अपनी कंट्री में, वैसे वर्ल्ड बैंक ने भी क्या किया, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड तय कर दिया। इट सेज दैट इफ अ पर्सन अर्न्स लेस देन $1.90 ही विल बी बिलो पार्टी लाइन, यदि कोई बंदा $1.90 से कम कमाता है तो वो बिलो पार्टी लाइन में है। वर्ल्ड बैंक यूज दिस यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड एज इट कुड कंपेयर द होल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ताकि पूरी दुनिया के देशों का कंपेरेटिवली स्टडी किया जा सके, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने ऐसा किया। तो इससे ही डेवलप और अंडर डेवलप्ड नेशन डिसाइड होता है। नाउ आई थिंक दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी लाइन विल बी क्लियर टू यू, सारी चीज़ें हो गई, मुझे लगता है कि अब पार्टी लाइन का आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बता दी, पार्टी लाइन क्या है, कैसे एस्टिमेट्स करेंगे, NSSO का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
आर नेक्स्ट टॉपिक विल बी पार्टी एस्टिमेट्स। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले नए टॉपिक के साथ। वो होगा क्या? पार्टी एस्टिमेट्स। कैसे हम पार्टी लाइन तो डिसाइड हमने कर लिया, लेकिन इसका अनुमान कैसे लगाएं, ठीक है, कैसे इसको एस्टिमेट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। डोंट फर्गेट टू हिट ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।